For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahag and welcome to Movies Adda. Tattoo पर लिखा है बनने वाले और बनाने वाले और मिटाने वाले का भी नाम. जी हाँ, well, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण का टैटू मशहूर है उतना तो किसी का भी टैटू मशहूर नहीं हुआ है. जहाँ तक बात करें हम बॉलीवुड में ये टैटू का फैशन बड़ा ही अतरंगी है. चाहे सैफ की बात कर ली जाए, सैफ ने भी अपने हाथ पर करीना लिखाया था. अपना प्यार का इजहार करने का एक अलग ही तरीका होता है लोगों का, और बॉडी इज़ एन आर्ट और टैटू बनाना इज़ वेरी आर्टिस्टिक, इस तरह की बातें हैं. एनीवेज, बट दीपिका पादुकोण की अगर मैं बात करूँ तो दीपिका पादुकोण का रणबीर कपूर के नाम पर बनाया गया टैटू वर्ल्ड फेमस हो चुका है और काफ़ी पहले से ही वर्ल्ड फेमस है. ऐसे में जब अब वो रणवीर सिंह से शादी कर चुकी हैं, रणवीर सिंह के साथ मैरिड हैं, ऐसे में बात यहाँ ये आती है कि दीपिका ने रणबीर कपूर के नाम के टैटू को कैसे हटाया. सो हाल ही में छपाक के प्रमोशंस के दौरान जब दीपिका से पूछा गया इस बारे में तो दीपिका का रिएक्शन कुछ ऐसा था. जी हाँ, फैंस ने पूछा, फैंस क्वेश्चन थे, मोस्ट गूगल क्वेश्चन अबाउट दीपिका पादुकोण वाज कि दीपिका ने रणबीर कपूर के नाम के टैटू को हटाया कैसे आखिर. और इस पर दीपिका ने बड़ा ही क्वर्की अंदाज में विंक करते हुए बिना किसी आंसर के साथ ही अपना आंसर दे दिया, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी क्योंकि दीपिका ने कभी इस बात पर कोई कमेंट नहीं किया है. लेकिन मैं तो ज़रूर कमेंट करूँगी क्योंकि जिस तरीके से दीपिका ने विंक किया है, वो विंक नहीं, सब कुछ आउट ऑफ सिंक कर दिया है. वेल, आप मुझे बताइए कि आपको जानने में कितना इंटरेस्ट है कि दीपिका ने ये टैटू कैसे हटाया आखिर. है इंटरेस्ट? वेल, दीपिका के आंसर से आप लोग क्या गेस कर पा रहे हैं ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.